तो देखिए, कोशिश करने से क्यों नहीं होगा, तो सब कुछ हो सकता है। उसका उदाहरण है हेमंत मुखर्जी तथा हेमंत कुमार। तो आज आप लोगों को मैं बिहार ग्रीन सिंगर हेमंत कुमार जी का घर तथा हेमंत कुमार मुखर्जी का घर दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को हेमंत कुमार जी का घर देखने के लिए रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में उतार के ये अब्दुल रसूल रोड पर आना होगा, और इधर से आप लोग सीधा जाएंगे। सीधा जाके आप लोग मेनका सिनेमा हॉल के बगल में जाके ठीक ऑपोजिट में हेमंत कुमार जी का घर अवस्थित है। आप लोगों को हेमंत कुमार तथा हेमंत मुखर्जी का घर देखने के लिए आप लोगों को रविंद्र सरोवर लेक के 6 नंबर गेट के इधर आना होगा। मेरा पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये है रविंद्र सरोवर का 6 गेट नंबर 6, और ठीक इसके बगल में आप लोग देख सकते हैं ये एक लैंडमार्क, ये है मेनका सिनेमा हॉल। मेनका सिनेमा हॉल के ठीक बगल में ही हेमंत मुखर्जी तथा हेमंत कुमार जी का घर तथा फ्लैट अवस्थित है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखने इधर आ सकते हैं। आने के लिए आप लोगों को नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, तो उधर से आप लोग पैदल 10 मिनट में इधर आ सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ हेमंत कुमार जी का उस समय का घर तथा फ्लैट। आप लोग देख सकते हैं, ये है वो घर तथा वो फ्लैट, इधर ही सेकेंड फ्लोर में रहते थे। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते, मगर उनका अस्तित्व अभी इधर कुछ नहीं है, मगर जो ओनर है उनका नाम नेम प्लेट लेटर बॉक्स अभी भी रखा हुआ है। तो वही आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ भारत का मशहूर सिंगर कंपोजर प्रोड्यूसर हेमंत कुमार जी का घर। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे वही घर अवस्थित है, वही गेट अवस्थित है, मगर हेमंत कुमार अभी नहीं है, तो उनका अस्तित्व तो अभी टिका हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते इधर वो गेट के बगल में जो नेम प्लेट रखा हुआ है, जो देख सकते इधर हेमंत मुखर्जी आर्काइव। तो आप लोग देख सकते उनका घर जो फ्लैट जिन्होंने खरीदा है, उन्होंने उनका स्थिति अभी भी इस नेम प्लेट में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ हेमंत कुमार जी का फ्लैट के गेट के ठीक बगल में। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये जो नेम प्लेट है, जो लेटर बॉक्स में नेम प्लेट है वो अभी भी रखा हुआ है। आप लोग देख सकते ये है हेमंत मुखर्जी का वो पुराना लेटर बॉक्स अभी भी रखा हुआ, आप लोग देख सकते हेमंत मुखर्जी। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो फ्लैट के ऊपर मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी का जो ओनर है उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा बातचीत करने के लिए, तो देखते चलिए। तो उस समय हेमंत मुखर्जी तथा हेमंत कुमार जी का गाने के लिए एक हारमोनियम खरीदने का पैसा नहीं था, तो उस समय 40 रुपया भी नहीं था। तो और उस समय उनको टिफिन टाइम में स्कूल में गाने के लिए तो उनको स्कूल से निकल दिया गया था, और उनको क्लास में जाने के लिए उस समय ट्राम में एक आना भाड़ा भी पैसा नहीं था, इसलिए पैदल उस समय उन्होंने क्लास में जाते थे। मगर देखिए उनका हिम्मत उनका कोशिश, तो बाद में जाके जब मुंबई चला गया था तो उधर जाके उन्होंने एक ऊँचा मकाम हासिल किया था। तो उस समय उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी में जाके, तो उस समय उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी में और हाथ में
डैश जला के उस समय घूमता था। तो देखिए कोशिश करने से क्यों नहीं होगा, तो सब कुछ हो सकता है। उसका उदाहरण है हेमंत मुखर्जी तथा हेमंत कुमार। तो आज आप लोगों को मैं एवरग्रीन सिंगर हेमंत कुमार जी का घर तथा हेमंत कुमार मुखर्जी का घर दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते मैं पैदल आके ऊपर चलाया पूरा छत के ऊपर, तो इधर नहीं है तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं अभी खड़ा हूँ हेमंत कुमार जी का फ्लैट के गेट के ठीक बगल में। तो अभी हेमंत कुमार जी का फ्लैट का ओनरशिप नहीं है, अभी दूसरा का है। फिर भी वो पर्सन अभी भी वो सीधे को अभी ठीक से रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हेमंत मुखर्जी का जब नाम जो नेम प्लेट अभी भी रखा हुआ है गेट पर। आप लोग देख सकते हेमंत कुमार मुखर्जी का नाम नेम प्लेट अभी भी वो गेट पर रखा हुआ है, आप लोग देखिए इधर। मगर जो ओनरशिप चेंज हो गया मगर उनका सीधी अभी भी इधर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो वही गेट, वही घर, वही सीढ़ी, वही बारंदा, सब कुछ इधर आप लोग देख सकते हैं। उस समय का कुछ साक्षी हो सकता है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए ये सीढ़ी। शायद उस समय जो पल इधर था तो एक सरणीय पल था, मगर वो अभी नहीं है। मगर हम लोग कोशिश कर रहे वो पल को फिर जीवित करने के लिए तथा जीवित रखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं हेमंत मुखर्जी तथा हेमंत कुमार का वो घर, वो गेट, वो नेम प्लेट अभी भी है। मैं दिखाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, आप लोग देखिए वो गेट, वो नेम प्लेट अभी भी है। ये घर सरणीय है मगर क्यों, इधर उस समय में मामा द्रोपी, किशोर कुमार जी, लता जी इधर आते थे। तब उस समय का एक अलग महल था, जो महल अभी नहीं है, जो समय अभी भी नहीं है। मगर उस समय को हम लोग जीवित रखने के थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन तक वो बातें थोड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को देखिए थोड़ा इधर। उस समय भवानीपुर मित्र इंस्टीट्यूशन में उन्होंने क्लास कर रहे थे, उन्होंने भर्ती हुआ था, मगर क्लास का फीस आधा दे रहे थे। शायद इसलिए उनको फंक्शन में उनका नाम काट दिया था। तो बाद में जाके उधर एक अच्छा फ्रेंड हुआ था, 83 साल उम्र में सुभाष मुखोपाध्याय जी का साथ उनको मिला था। तो सुभाष मुखोपाध्याय जी उस समय 83 साल उम्र में जब क्लास 9 में था, शायद ऑल इंडिया रेडियो में तब हेमंत कुमार गाया था। तो आप लोग देख सकते हैं वो पल वो समय मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। मैं घर का भी ओनर से बातचीत किया हूँ, तो मगर उन्होंने थोड़ा बिजी है इसलिए परमिशन नहीं मिला बाद में आने के लिए बोला। मगर मैं नेक्स्ट सैटरडे का ही ब्लॉग अपलोड करूँगा, तो मैं बाहर से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते मेरा पीछे वो गेट देख सकते, वो बारंदा वो स्थिति अभी भी है, आप लोग देखिए इधर। हेमंत कुमार जी का जन्म हुआ था 1920 में वाराणसी में। तब उधर से उनका पिताजी कालिदास मुखर्जी के साथ उनका 4 भाई 1 बहन थे। तो दक्षिण 24 परगना में जयनगर में चला आया था, तो उसके बाद भवानीपुर में आ गया था। भवानीपुर से फिर इधर आया था, तो भवानीपुर का घर अभी नहीं है। तो इधर ही गाना गाते थे, इधर से रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे। इधर मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर जी, लता जी इधर आते थे। वो फेमस घर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते इधर। वो पल वो समय अभी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो फ्लैट को थोड़ा दिखाने के लिए। तो आप लोग देख सकते इधर कितना समय हेमंत कुमार जी इधर से दिया है, मगर वो पल वो समय अभी नहीं है, वो पल चला गया। मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो पल को जीवित रखने के लिए, तो नेक्स्ट जनरेशन को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा इधर। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के मुझको सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तक फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।